राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जनपद कानपुर देहात की कस्बा राजपुर के न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकाली है। वही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम सोमलता यादव को सड़क सुरक्षा पटिका व प्रतीक चिन्ह देकर प्रबंधक महादेव सिंह चौहान व संरक्षिका सोमवती सिंह चौहान ने सम्मानित किया है। वही एआरटीओ सोमलता व कार्यकारिणी अध्यक्ष एस के सिंह रिटायर्ड फ्लैट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स ने हरी झंडा दिखाकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली को रवाना किया है। रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर मुगल मार्ग होते हुए वापस विद्यालय में समापन किया है। रैली में सड़क सुरक्षा के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में सड़क सुरक्षा संबंधित स्लोगन के साथ हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के नारे लगाते हुए सड़कों पर रैली निकालकर नागरिकों को जागरूक किया है। एआरटीओ के अनुसार सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम स्वयं की और सामने वाले की भी जान बचा सकते हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाए। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट बांधेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें तथा अपने स्वजन से पालन कराएंगे। रैली में सड़क सुरक्षा दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहने का प्रण भी लिया गया है। न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर द्वारा आज के दिन सड़क सुरक्षा से संबंधित एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि वे सड़क यातायात के नियमों का पालन करें और अपने जीवन की रक्षा करें। दिशा निर्देश ये हैं कि लोगों को, चूँकि हमारे जीवन में भागदौड़ बढ़ गई है और यातायात के साधन दो पहिया चार पहिया का प्रयोग जीवन में बढ़ गया है, तो हम अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं और लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जीवन के मूल्य को समझते हुए हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें और सुरक्षित चलें और दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। विद्यालय परिवार ने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सबको और आपको भी कि इन्होंने इतनी बढ़िया रैली का आयोजन करवाया। महादेव।